आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं यहां पर आज की जॉब नोटिफिकेशन की। एचपीयू शिमला में होने वाली भर्तियों के रिगार्डिंग आज की यह अपडेटेड वीडियो रहने वाली है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की जॉब अपडेट की। आपको पता है कि एचपीयू में 243 वैकेंट पद भरे जाने वाले थे नॉन टीचिंग स्टाफ के, और इन 243 वैकेंट पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन एचपीओ ने जून 2020 में रिलीज की गई थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचपीओ ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या दी है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो एचपीओ ने कहा है कि 243 जो वैकेंट पद है उनको भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू इसी साल होने वाली है, मतलब कि जनवरी 2022 में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें 2020 में 243 वैकेंट पदों को भरने के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी, उस नोटिफिकेशन के रिस्पांस में 50,000 लोगों ने अपना आवेदन करके रखा था और एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एचपीओ ने रखी हुई थी। और इस बार क्या हुआ कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक से गैर शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन का समय 6 महीने के लिए बढ़ाने पर विश्वविद्यालय जनवरी अंत या फरवरी में रिक्त और नए सृजित विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो कौन कौन से पद है तो इसके बारे में बात अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले आज साल का पहला दिन है तो आज मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आप रोजगार कैसे पा सकते हैं। आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे होंगे और आपको पता है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, और अगर आप नए सब्सक्राइबर्स या नए श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप घर बैठे नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आज साल का पहला दिन है और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है और आपके सामने री लेवल बाय अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि अपने टैलेंट और स्किल के अनुसार जॉब पा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बोलने का स्किल है, आपके पास अच्छा प्रेजेंटेशन देने का स्किल है और आपके पास कुछ बेचने का स्किल है तो आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स है, कोई टेक्निकल टैलेंट है तो भी आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल टैलेंट में मतलब कि आप अगर CSS अच्छा करते हैं, आपको HTML में काम करना पसंद है, आपको कंप्यूटर का कोई भी काम करना पसंद है जिसमें कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेबसाइट को रैंक करना या इससे जुड़े हुए बहुत सारे आप काम कर सकते हैं तो भी आप यहां पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहां पर जो मासिक वेतन रहेगा वो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये रहने वाला है। यह आपके टैलेंट और स्किल के बेस पर तय किया जाएगा और आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है और ना ही आपको कोई रेज्यूम सेंड करना है, और साथ ही यहाँ पर आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा, मतलब कि किसी कंपनी के दफ्तर में भी आपको नहीं जाना होगा। आपको घर बैठे इसके लिए अपना अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट को अगर आप पास कर जाते हो तो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लाइक एज पेटीएम, अपग्रेड, अर्बन कंपनी, दैनिक भास्कर, ओला, मेटा, इस तरह कंपनी में आप काम कर सकते हैं और साथ में आपको आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। तो देर किस बात की है तो जल्दी से इसके लिए अपना अप्लाई अभी कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने री लेवल बाय अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको आपकी जॉब 15 दिनों में मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको गेट हायर्ड पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने आपके टेस्ट ओपन हो जाएंगे, मतलब कि आपको यहाँ पर उसी टेस्ट को देना है जिस टेस्ट के बाद आपको उसी कैटेगरी की जॉब करनी हो। मतलब कि अगर आपको टेक्निकल जॉब करनी है तो आपको यहां पर टेक्निकल टेस्ट देना है, अगर आपको नॉन टेक्निकल जॉब करनी है तो आप यहां पर नॉन टेक्निकल टेस्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल टेस्ट में यहां पर है बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट और बिजनेस एनालिटिक टेस्ट, तो यहां आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट चूज कर सकते हैं। दोनों टेस्ट में 1200 प्लस पोस्ट रहने वाली है और आपका CTC मतलब कि सैलरी पैकेज 10 लाख रुपए पर एनम यहां पर रहने वाला है। अगर बात करें नॉन टेक्निकल की तो नॉन टेक्निकल में यहां पर रहेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट, इसके अलावा
डाटा एनालिटिक टेस्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट। और अगर बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो आपका सैलरी पैकेज रहेगा 40 लाख रुपए पर एनम, और 1000+ पोस्ट यहाँ पर सभी को मिलाकर रहने वाली है। तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से टेस्ट के लिए अपना अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने पूरा टेस्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है कि टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, किन किन लोगों को अभी हायर किया है, कौन कौन सी कंपनी आपको यहाँ पर हायर करने वाली है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आराम से सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो अब हमने यहां पर क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो अब मुझे बुक योर फ्री स्लॉट के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि मुझे अब टेस्ट के लिए अपनी डेट चूज करनी है। तो मैं यहां पर बुक योर फ्री स्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब मुझे यहां पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं, आप भी डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मुझे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद मुझे यहां पर वो फीड करना है और साइन अप फॉर्म फिल करना है। साइन अप फॉर्म में अपना नाम, अपना स्टेट, अपना एड्रेस सब कुछ फीड करके मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर रेफर कोड का ऑप्शन है तो वो आपको छोड़ देना है। अब मुझे यहाँ पर कुछ डेट्स आ रही है, तो मुझे उनमें से किसी एक डेट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर मेरा स्लॉट यहाँ पर बुक हो जाएगा। आप इसके लिए अपना अप्लाई कर लीजिए, और जिस दिन आपका स्लॉट बुक होगा उस दिन आपको सुबह 9:30 बजे अपना पीसी ऑन कर लेना है, क्योंकि आपका टेस्ट पीसी पर ही होने वाला है या लैपटॉप पर होने वाला है। सुबह ऑन कर लेना 9:30 बजे और अपना लॉगिन कर लेना अपने मोबाइल नंबर से, और 10 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और टेस्ट में पास करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी reelevel.com पर मिल जाएगा। अगर बात करें HBO में कौन कौन से पद भरे जाने वाले हैं, तो कुल मिला के 243 वेकेंट पद यहाँ पर रहने वाले हैं। ड्राइवर यहाँ पर हैवी व्हीकल का एक पद रहेगा, ड्राइवर लो व्हीकल के 5 पद रहेंगे, पियोन के 92 वेकेंट पद रहने वाले हैं, चौकीदार के 28 पद, माली के 7 पद रहेंगे, बेलदार के 2 पद रहेंगे, मैस हेल्पर के 6 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा सीवर मैन के 3 पद, प्लम्बर के 5, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद, जेई सिविल के 7, जेई इलेक्ट्रिकल के 3, कंडक्टर के 2 पद रहेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 2 पद रहेंगे, लो ऑफिसर के 3 पद, क्लर्क के 54 वेकेंट पद रहने वाले हैं, JOIT के 43, JOA अकाउंट्स के यहाँ पर 4 पद रहने वाले हैं। और इसके अलावा 100 से 150 पद और भी आ सकते हैं इसी कैटेगरी में। तो कुल मिला के आप मान के चल सकते हैं कि 350 या 400 पद भरे जाने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के HBO में।